Morning, all DMLT students. आज का लेक्चर किस पे? टुडेज लेक्चर ऑन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. क्या आज का लेक्चर किस पे? डाइजेशन यानी पाचन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस तरीके से होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, कौन से मॉलिक्यूल का कौन सी जगह पाचन होता है, वो सारा इसके अंदर डिस्कस करेंगे. पीछे का लेक्चर किस पे था? बायोमोलिक्यूल ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर, यानी कार्बोहाइड्रेट के जो स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स है, यानी मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड के जो मॉलिक्यूल्स है उनकी शेप एंड स्ट्रक्चर पे था. ठीक है, तो एक बार आज का लेक्चर शुरू करने से पहले पीछे का लेक्चर क्या है रिवाइज कर लेते हैं. पीछे के लेक्चर में आपने क्या है ग्लूकोज वगैरह की स्ट्रक्चर तो देख ली थी. आज का लेक्चर उसके बाद में क्या आया था पीछे से प्रीवियस लेक्चर में, लैक्टोज, जो कि क्या है कार्बोहाइड्रेट का ही कंपोनेंट है या कंपाउंड है. तो लैक्टोज क्या है? लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, इट इज ए सुगर कंपोज्ड ऑफ ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज सब यूनिट बाय एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल वाटर. तो सबसे पहले क्या है, लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड, यानी लैक्टोज जो सुगर है वो, यानी कार्बोहाइड्रेट है, वो किससे मिलकर बना है? दो सुगर की यूनिट से मिलकर बना है. नेक्स्ट, इट इज ए सुगर कंपोज्ड ऑफ लैक्टोज एंड ग्लूकोज सब यूनिट बाय इलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल वाटर. यानी ये क्या है, ग्लूकोज और लैक्टोज की जो सब यूनिट्स है मोनोसैकेराइड की, उनसे मिलकर कंपोज्ड हुआ है, उनसे मिलकर बना है, और वो दोनों जब एक साथ अटैच होती है तो एक वन मॉलिक्यूल वाटर रिमूव हो जाता है, यानी H2O का मॉलिक्यूल क्या है, एक रिमूव हो जाता है. नेक्स्ट क्या है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C12H22 या फिर O11. यानी कार्बन के कंपाउंड कितने हैं 12, हाइड्रोजन के कंपाउंड कितने हैं 22 और ऑक्सीजन के कंपाउंड कितने हैं 11. नेक्स्ट, लैक्टोज मेक अप अराउंड 2-8% ऑफ मिल्क. यानी लैक्टोज क्या है, जो आप रेगुलर डाइट में मिल्क वगैरह यूज करते हैं उसके कितने परसेंट फॉर्म करता है, 2-8%, यानी 2-8%. नीचे की स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं जिसमें क्या है, एक लैक्टोज और ग्लूकोज का कंपाउंड है, वो मिलके क्या बना रहे हैं, लैक्टोज बना रहे हैं. नेक्स्ट क्या है, स्टार्च. तो स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, यानी पॉलीसेकेराइड के अंदर तीन कंपाउंड है, एक तो स्टार्च, एक सेलुलोज और एक क्या है, ग्लाइकोजन. तो सबसे पहले अपन किसके ऊपर डिस्कस करते हैं, स्टार्च के ऊपर. तो स्टार्च इज ए पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ग्लूकोज यूनिट जॉइंड बाय ग्लाइकोसाइड बॉन्ड. यानी स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, यानी पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट है, कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ग्लूकोज यूनिट जॉइंट बाय ग्लाइकोसाइड बॉन्ड्स. यानी ग्लूकोज की सब यूनिट्स, छोटी यूनिट्स मिलके, और वो अटैच किससे होती है, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से मिलके क्या बनाती है, स्टार्च बनाती है. नेक्स्ट, दिस पॉलीसेकेराइड इज प्रोड्यूस्ड बाय मोस्ट ग्रीन प्लांट एज एनर्जी स्टोरेज. और ये जो स्टार्च पॉलीसेकेराइड है वो क्या है, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, यानी प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है. और इसको किस तरीके से काम में लिया जाता है, एनर्जी स्टोरेज के रूप में, यानी एनर्जी को स्टोर किया जाता है स्टार्च के रूप में. नेक्स्ट क्या है, प्योर स्टार्च इज ए वाइट टेस्टलेस एंड ऑडरलेस पाउडर दैट इज इनसोल्युबल इन कोल्ड वाटर और एल्कोहल. यानी प्योर शुद्ध जो स्टार्च है वो क्या है, व्हाइट कलर का होता है, टेस्टलेस यानी स्वाद विहीन होता है, एंड ऑडरलेस यानी गंध विहीन होता है, पाउडर होता है, दैट इज जो क्या है, इनसोल्यूबल इन कोल्ड वाटर और एल्कोहल, जो क्या है, ठंडे पानी में और एल्कोहल में क्या है, अघुलनशील है. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, यानी स्टार्च की स्ट्रक्चर. तो स्टार्च की स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है, तीन मॉलिक्यूल दिखाए गए हैं जो अलग अलग क्या है, अटैच है एक दूसरे से, किसके द्वारा, ग्लाइकोसाइड बॉन्ड के द्वारा. और ये जो ऊपर की तरफ बॉन्डिंग दिखाई गई है वो क्या है, अल्फा 1-4 बॉन्डिंग है, यानी पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पहला कार्बन और दूसरे का चौथा कार्बन.
और स्टार्च के अंदर क्या है, अल्फा 1,6 और अल्फा 1,4 यानी दोनों प्रकार की बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी स्टार्च के अंदर ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज ए मल्टी ब्रांच पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज दैट सर्व एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन एनिमल फंजाई एंड बैक्टीरिया। यानी ग्लाइकोजन इज ए मल्टी ब्रांच, यानी ग्लाइकोजन क्या है, एक मल्टी ब्रांच शाखा यानी जिसके अंदर शाखाएं प्रेजेंट है, यानी ब्रांच प्रेजेंट है पॉलीसेकेराइड ऑफ ग्लूकोज, यानी ऐसा एक पॉलीसेकेराइड जो ग्लूकोज की सब यूनिट से कंपोज हुआ है दैट सर्व एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोरेज, और जो किस तरीके से काम करता है, एक स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम करता है, और करता किन में है, इन एनिमल्स फंजाई एंड बैक्टीरिया, यानी एनिमल्स फंजाई और बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन एक स्टोरेज एनर्जी के रूप में काम करता है। नेक्स्ट, द पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, यानी द पॉलीसेकेराइड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी, यानी पॉलीसेकेराइड की वह स्ट्रक्चर है ग्लाइकोजन जो ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है ह्यूमन बॉडी में, यानी ग्लूकोज किसके रूप में स्टोरेज होता है ह्यूमन बॉडी में, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, इट इज ए डाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड, यानी यह जो सेकेराइड है वो क्या है, डाइजेस्टिबल है, यानी इसका पाचन किया जा सकता है। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन स्टोर इन लिवर मसल, यानी ग्लाइकोजन किसके अंदर स्टोर होता है, लिवर की मसल के अंदर। नेक्स्ट, ग्लाइकोजन इज फॉर्म बाय कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन टू ग्लाइकोजन इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, यानी ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के कन्वर्जन से बना है, यानी ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट होता है, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, इंसुलिन एंजाइम की प्रेजेंस में, और ऐसा तब होता है जब अपनी बॉडी में क्या होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है जो मतलब ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रोसीजर दिखाई गई है, तो सबसे पहले तो क्या है, सिंथेज यानी ग्लाइकोजन सिंथेज, यानी ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोजन में, जो क्या है, ग्लाइकोजेनेसिस, और दूसरा क्या है, ब्रेकडाउन यानी ग्लाइकोजन वापस किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में, जो क्या है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट, तीसरा कंपाउंड है पॉलीसेक्राइड का जो क्या है, सेलुलोज, ये क्या है, एन इनसोल्यूबल सब्सटेंस विच इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट सेल वॉल ऑफ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, यानी ये क्या है, एक अघुलनशील पदार्थ है, सब्सटेंस है, विच इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट सेल वॉल, जो कि क्या है, प्लांट की पौधों की सेल वॉल का क्या है, मेन घटक है, एंड ऑफ वेजिटेबल फाइबर यानी वेजिटेबल के फाइबर्स में भी प्रेजेंट रहता है, और सच एज कॉटन यानी कॉटन के अंदर, कपास के अंदर भी प्रेजेंट रहता है सेलुलोज। नेक्स्ट, इट इज ए पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ चेन ऑफ ग्लूकोज मोनोमर, ये क्या है कि ग्लूकोज की मोनोसेकेराइड है, यानी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की चेन से मिलकर बना, यानी ग्लूकोज की सब यूनिट इसमें अटैच रहती है, जुड़ी हुई रहती है। नेक्स्ट क्या है, सेलुलोज, सेलुलोज इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड विद द फॉर्मूला C6H10O5, यानी कार्बन के एटम कितने हैं 6, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 10 और ऑक्सीजन के 5, यानी सेलुलोज का केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H10O5। ए पॉलीसेकेराइड कंसिस्टिंग ऑफ ए लाइनर चेन ऑफ सेवरल हंड्रेड टू मेनी थाउजेंड ऑफ β14 लिंकेड डी ग्लूकोज यूनिट, यानी एक पॉलीसेकेराइड जो कंसिस्ट यानी किससे मिलकर बनाए, लाइनर चेन यानी एक सीधी श्रृंखला से, सेवरल हंड्रेड यानी 100 से टू मेनी थाउजेंड यानी कुछ हजार तक ऑफ β14 लिंकेड डी ग्लूकोज यूनिट, यानी जो क्या है, ग्लूकोज की 100 से हजार यूनिट एक साथ अटैच होके मिलके क्या बनाती है, पॉलीसेकेराइड बनाती है, कौन सा, सेलुलोज। नेक्स्ट क्या है, सेलुलोज इज एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट, कि सेलुलोज क्या है, एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, यानी एक स्ट्रक्चर बनाता है किसकी, ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ ग्रीन प्लांट, यानी ग्रीन प्लांट की प्राइमरी सेल वॉल फॉर्म करने का काम करता है।
मैनी फॉर्म्स ऑफ एल्गी एंड द ओमाइसिटीज, और ये क्या है, और ओमाइसिटीज और एल्गी है उनकी भी सेल वॉल फॉर्म करने का काम करता है। नेक्स्ट, सम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया सीक्रेट इट टू फॉर्म विलीफॉर्म या बायो फिल्म, और कुछ बैक्टीरिया क्या है सेलुलोज को एक्सक्रीट करते हैं, सीक्रेट करते हैं किस रूप में, बायोफिल्म के रूप में। सेलुलोज इज द मोस्ट एब्डेंट ऑर्गेनिक पॉलीमर ऑन अर्थ, एब्डेंट का मतलब काफी सारी प्रचुर मात्रा में, तो सेलुलोज क्या है पृथ्वी के ऊपर काफी प्रचुर मात्रा में ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पॉलीमर या पॉलीसेक्राइड प्रेजेंट है। नेक्स्ट, सेलुलोज हैज नो टेस्ट, इज ऑर्डरलेस, इज हाइड्रोफिलिक विद द कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ 20 to 30 degree, इज इनसोल्युबल इन वाटर, कि सेलुलोज हैज नो टेस्ट, उसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है, इज ऑर्डरलेस यानी गंध विहीन है, और क्या है हाइड्रोफिलिक है, विद द कॉन्टेक्ट एंगल ऑफ 20 to 30 degree, इज इनसोल्युबल इन वाटर, और क्या है ये पानी के अंदर अघुलनशील है। नेक्स्ट, दिस लिंकेज मोटिफ कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ अल्फा 1-4 ग्लाइकोसाइड बॉन्ड प्रेजेंट इन स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, और ये भी क्या है जैसे स्टार्च और ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा 1-4 बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, उसी की जैसे अपने अंदर बॉन्डिंग क्रिएट करता है ग्लाइकोसाइड बॉन्डिंग। सेलुलोज इज ए स्ट्रेट चैन पॉलीमर, और सेलुलोज क्या है एक सीधी श्रृंखला वाला पॉलीमर है, यानी इसके अंदर ग्लूकोज की जो यूनिट है वो क्या है ब्रांच के अंदर जुड़ी हुई नहीं होती, यानी सीधे स्ट्रेट प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्या है, सेलुलोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन सेलुलोज इंटू स्मॉलर पॉलीसेक्राइड कॉल्ड सेलोडेक्सट्रिन और कंप्लीटली इंटू ग्लूकोज यूनिट, दिस इज ए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, कि सेलुलोलाइसिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन सेलुलोज इंटू स्मॉल पॉलीसेक्राइड, यानी सेलुलोलाइसिस क्या है एक ऐसा प्रोसीजर है जो क्या है सेलुलोज को छोटे पॉलीसेक्राइड में ब्रेक डाउन करता है, उसको कन्वर्ट करता है, और वो उनमें किस में कन्वर्ट करता है सेलोडेक्सट्रिन में, और सेलोडेक्सट्रिन क्या है एक पॉलीसेक्राइड है, और अगर आप इसका क्या है कंप्लीटली क्या करो डिग्रेडेशन करो या ब्रेक डाउन करो वो क्या होगा कंप्लीटली इंटू ग्लूकोज यूनिट, और क्या है सबसे यानी मोनोसेक्राइड के अंदर इसको कन्वर्ट करोगे इसका ब्रेक डाउन करोगे किस में होगा ग्लूकोज के अंदर, दिस इज ए हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, मतलब क्या है इसके अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं मतलब जुड़ जाते हैं। नेक्स्ट, बिकॉज सेलुलोज मॉलिक्यूल बाइंड स्ट्रॉन्गली टू ईच अदर सेलुलोलाइसिस इज रिलेटिवली डिफिकल्ट कंपेयर टू द ब्रेक डाउन ऑफ अदर पॉलीसेक्राइड्स। सेलुलोलाइसिस क्या है जो उसके मॉलिक्यूल यानी ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अच्छे तरीके से अटैच होते हैं क्योंकि इसके अंदर ओनली अल्फा 1-4 बॉन्डिंग क्या है प्रेजेंट होती है, इसमें ब्रांच प्रेजेंट नहीं होती, और इसीलिए क्या है इसका ब्रेक डाउन क्या है जल्दी नहीं होता अदर पॉलीसेक्राइड के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीसेक्राइड कंपाउंड, सबसे पहले स्टार्च की जिसके अंदर पहले तो एक सीधी श्रृंखला है यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सीधे अटैच है, फिर ऊपर की तरफ क्या है ब्रांच दिखाई गई है, ग्लाइकोजन के अंदर भी ब्रांच प्रेजेंट है लेकिन सेलुलोज की स्ट्रक्चर के अंदर कोई ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, ओनली सिंगल बॉन्डिंग है ग्लाइकोसाइड बॉन्डिंग है, कौन सी अल्फा 1-4 यानी पहले ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का चौथा कार्बन। नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर देख रहे हो जिसमें क्या है स्टार्च और जो ग्लाइकोजन है उसमें ब्रांच प्रेजेंट है लेकिन सेलुलोज क्या है एक फाइबर है तंतु है उसके अंदर ग्लूकोज यूनिट सीधी स्ट्रेट लाइन में अटैच रहती हैं या बनी रहती हैं। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट यानी क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन और उसका एब्जॉर्प्शन यानी उसको एब्जॉर्ब कैसे करते हैं इंटेस्टाइन से, तो इसके अंदर क्या है द फर्स्ट स्टेज इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट टेक प्लेस इन माउथ व्हेन द फूड इज चेविंग द सलाइवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड पिटाइलिन। तो सबसे पहले क्या है कि जब अपन कोई डाइट लेते हैं या फिर कोई फूड इंटेक करते हैं माउथ में तो उसका डाइजेशन क्या है अपने माउथ में ही शुरू हो जाता है, उसकी जब चेविंग करते हैं यानी उसको चबाते हैं तो क्या है उसके साथ सलाइवा मिक्स हो जाती है फूड के साथ, और उस सलाइवा के अंदर क्या है एक पिटाइलिन नाम का एंजाइम प्रेजेंट रहता है,
और पिटाइलिन क्या करता है कि जो स्टार्च होता है जो फूड के अंदर उसको माल्टोज और डेक्सट्रीन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसके अंदर देखिए वह द फर्स्ट स्टेज इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी पहली जो स्टेज है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन की वो टेक प्लेस इन माउथ। वो कहां से शुरू हो जाती है? माउथ से ही शुरू हो जाती है। व्हेन द फूड इज चेविंग, यानी जब अपन फूड को चबाते हैं, द सलाइवा कंटेन, सलाइवा के अंदर क्या रखता है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, एन एंजाइम कॉल्ड पिटाइलिन। नेक्स्ट क्या है? पिटाइलिन एक्ट ऑन स्टार्च एंड कन्वर्ट देम इनटू माल्टोज एंड डेक्सट्रीन। और जो पिटाइलिन है वो क्या काम करता है कि स्टार्च को माल्टोज और डेक्सट्रीन में कन्वर्ट कर देता है। कहां पे? माउथ के अंदर ही। और आपको पता है स्टार्च क्या है? एक पॉलीसेकेराइड है और कार्बोहाइड्रेट का कंपाउंड है। नेक्स्ट, एज सून एज फूड रीच द स्टमक इट मिक्स विद एसिटिक गैस्ट्रिक जूस एंड पिटाइलिन एक्टिविटी इज इनहिबिटेड। जब उसका क्या है, चेविंग जो है उसकी माउथ के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तब उसको क्या है, स्वाल्व कर लिया जाता है, यानी निगल लिया जाता है। तो क्या है, एज सून एज फूड रीच द स्टमक, तो निगलने के बाद क्या है, वो फूड जो है वो कहां पे पहुंचता है? स्टमक के अंदर। इट मिक्स विद एसिटिक गैस्ट्रिक जूस, और फूड किसके साथ मिक्स हो जाता है? एसिटिक गैस्ट्रिक जूस के साथ, यानी HCl के साथ। एंड पिटाइलिन एक्टिविटी इज इनहिबिटेड, और जो पिटाइलिन एंजाइम था माउथ के अंदर उसकी जो एक्टिविटी है, प्रतिक्रिया है, वो क्या है, इनहिबिट कर दी जाती है, यानी बंद कर दी जाती है स्टमक के अंदर। नेक्स्ट, द कंस्टिट्यूट ऑफ फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस एंड कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म नोन एज काइम, यानी द कंस्टिट्यूट ऑफ फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस, यानी जो फूड का कंस्टिट्यूट था, पार्टिकल थे, वो किसके साथ मिक्स हो गए? गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो गए। एंड कन्वर्ट इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गए? सेमी सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गए, परिवर्तित हो गए। और उस सेमी सॉलिड फॉर्म को क्या कहते हैं? नोन एज काइम, यानी उसको क्या कहते हैं? काइम। देन फूड इज पास थ्रू पाइलोरिक स्फिंक्टर इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर क्या है, स्टमक से फूड किसमें चला जाता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत के अंदर। नेक्स्ट, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत के अंदर उसका क्या है, डाइजेशन कैसे होता है? तो सबसे पहले तो माउथ के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन पिटाइलिन एंजाइम के द्वारा। फिर क्या है, वो माउथ से होकर किसमें आता है? स्टमक में। स्टमक में क्या है, गैस्ट्रिक जूस के द्वारा उसका डाइजेशन होता है। और स्टमक से फिर किसमें आ जाता है? वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, छोटी आंत के अंदर। तो यहां पे देखिए, इन स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस आर प्रेजेंट, यानी छोटी आंत के अंदर इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एक तो इंटेस्टाइनल जूस एंड पैनक्रिएटिक जूस आर प्रेजेंट, यानी छोटी आंत के अंदर इंटेस्टाइनल जूस और पैनक्रिएटिक जूस दोनों प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। इन विच थ्री एंजाइम इज प्रेजेंट, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, और स्मॉल और उसके अंदर जो क्या है, इंटेस्टाइनल जूस है या फिर पैनक्रिएटिक जूस है। इन विच थ्री एंजाइम इज प्रेजेंट, यानी उसमें क्या है, तीन प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, एक तो सुक्रोज, एक माल्टोज और लैक्टोज। नेक्स्ट, एज द फूड कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्री एंजाइम एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड कंप्लीट द डाइजेशन बाय कन्वर्टिंग डाइसेकेराइड इनटू मोनोसेकेराइड। और फिर क्या है, जैसे ही फूड क्या है, एज द फूड कम्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, और जब क्या है, फूड छोटी आंत के अंदर आ जाता है, थ्री एंजाइम एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट, और तीनों एंजाइम जो है क्या, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज, वो क्या है, फूड के ऊपर एक्ट कर देते हैं, यानी प्रतिक्रिया कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। एंड कंप्लीट द डाइजेशन, और क्या है, अपने पाचन को पूरा करते हैं बाय कन्वर्टिंग, किस तरीके से, कि डाइसेकेराइड इनटू मोनोसेकेराइड, और वो तीनों एंजाइम डाइसेकेराइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मोनोसेकेराइड में। तो आपने देखा सबसे पहले स्टार्च था माउथ में, जिसको आपने डाइसेकेराइड में कन्वर्ट किया, फिर डाइसेकेराइड को स्मॉल इंटेस्टाइन में किसमें कन्वर्ट कर लेते हो, मोनोसेकेराइड के अंदर, यानी सबसे सिंपलेस्ट सेकेराइड। नेक्स्ट, अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, यानी बहुत ही अच्छे जो प्रोडक्ट है
कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के, वो कौन से हैं? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज हैं। दीज आर एब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो क्या है छोटी आंत के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं डायरेक्ट। फिर सुक्रोज किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रक्टोज में। माल्टोज किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज के अंदर। और लैक्टोज किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लैक्टोज के अंदर। ये तीनों जो सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज है वो क्या है? डाइसेकेराइड है। जबकि फ्रक्टोज, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये तीनों क्या है? एक मोनोसेकेराइड, यानी सबसे सिंपल सेकेराइड है, सबसे सिंपल शुगर है। फिर क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। तो इसके अंदर देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज ऑल डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम हेयर इट डिलीवर टू द ब्लड बाय पोर्टल सर्कुलेशन। यानी ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज, यानी तीनों जो सिंपल मोनोसेक्राइड है आर डायरेक्टली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। वो तीनों ही क्या है? सीधे ही छोटी आंत से क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एंड फ्रॉम हेयर, यहां से वो जाते कहां है? इट डिलीवर टू, कहां पे डिलीवर कर दिए जाते हैं? टू द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर। और ये कौन से रूट से जाते हैं? यानी पोर्टल सर्कुलेशन से, यानी लीवर की वेन से। नेक्स्ट, दे रीच टू लीवर एंड स्टोर इन लीवर एंड मे बी यूज व्हेन नीडेड। और फिर क्या है? वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, फिर लीवर के अंदर पहुंच जाते हैं। दे रीच टू द लीवर एंड स्टोर इन लीवर, यानी लीवर के अंदर उनको स्टोर कर लिया जाता है। एंड मे बी यूज व्हेन नीडेड, और जब उनकी क्या है? आवश्यकता होती है, तब क्या है? आप उन तीनों मॉलिक्यूल्स को काम में ले सकते हो, इनसे एनर्जी फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? सम ग्लूकोज मे रिमेन इन सर्कुलेटरी ब्लड टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। और कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है? सर्कुलेटरी ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी ब्लड ग्लूकोज का जो नॉर्मल लेवल है उसको मेंटेन रखने के लिए। नेक्स्ट क्या है? इंसुलिन इज हार्मोन फॉर दिस चेंजेस, यानी उसकी जो स्टोरेज फॉर्म है उनको चेंज करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? इंसुलिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, कैटाबोलिज्म, यानी किसी चीज का ब्रेकडाउन। दोज केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल आर कलेक्टिवली नोन एज कैटाबोलिज्म। यानी दोज केमिकल रिएक्शन, वह केमिकल रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स, जो क्या है? ब्रेक डाउन करती है जटिल रिएक्शन का, यानी काफी बड़े कॉम्प्लेक्स का या कार्बनिक कंपाउंड का, इंटू किसके अंदर करती है? कार्बनिक कंपाउंड का, बड़े कार्बनिक कंपाउंड का इंटू ब्रेक डाउन स्मॉल मॉलिक्यूल, छोटे मॉलिक्यूल्स में, आर कलेक्टिवली नोन एज कैटाबोलिज्म। और इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं अपन? कैटाबोलिज्म। यानी कोई बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक कंपाउंड किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है? स्मॉल मॉलिक्यूल में या छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो क्या कहलाता है? कैटाबोलिज्म। दूसरा क्या है? एनाबोलिज्म। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन दैट कंबाइन सिंपल मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द लार्ज बायोमोलिक्यूल आर कलेक्टिवली नोन एज एनाबोलिज्म। यानी केमिकल रिएक्शन दैट कंबाइन, यानी वह केमिकल रिएक्शन दैट कंबाइन जो जोड़ती है सिंपल मॉलिक्यूल्स को, सिंपल मॉलिक्यूल्स को जोड़ के टू फॉर्म, वो क्या बनाती है? टू फॉर्म द लार्ज मॉलिक्यूल, यानी बड़ा मॉलिक्यूल बनाती है, आर कलेक्टिवली नोन एज एनाबोलिज्म। और इसी प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं? एनाबोलिज्म बोलते हैं। यानी जो डाइजेशन की जो प्रोसीजर है उसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती है मोस्टली। एक तो कैटाबोलिज्म यानी ब्रेक डाउन किसी चीज का, यानी बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड का छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड में ब्रेक डाउन। और दूसरा क्या है? एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होती है? छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलके क्या बनाते हैं? बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं। कैटाबोलिज्म का एग्जाम्पल तो क्या है? जैसे स्टार्च से अपन क्या किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के अंदर। और अगर एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल लें तो क्या है? ग्लूकोज की सब यूनिट कलेक्टिवली अटैच होकर क्या बना लेती है? स्टार्च बना लेती है। वो किसका एग्जाम्पल है? एनाबोलिज्म का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट कैटाबॉलिज्म यानी कार्बोहाइड्रेट का कैटाबॉलिज्म। तो ये क्या है, द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी इज आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन टू प्रोड्यूस एटीपी, इसके लिए एटीपी बनाने के लिए यानी एटीपी जनरेट करने के लिए। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो क्या है एक एनर्जी मॉलिक्यूल की यूनिट है, इज आल्सो नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। पर इस जो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट, ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन इनटू बॉडी गिविंग एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होता है ह्यूमन बॉडी में वो क्या करता है, एक तो गिविंग यानी क्या देता है आपको, एक तो एनर्जी फॉर्म करता है यानी एनर्जी देता है वर्क के लिए काम करने के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है उसका ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, द कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज अकर इन सीरीज ऑफ स्टेप विथ ए लिटिल एनर्जी बीइंग रिलीज एट ईच स्टेप। यानी कैटाबॉलिज्म किसका, ग्लूकोज का, अकर इन सीरीज ऑफ स्टेप यानी काफी स्टेप के अंदर या काफी सीरीज के अंदर क्या है उसका ब्रेकडाउन होता है, विथ ए लिटिल एनर्जी बीइंग रिलीज एट ईच स्टेप। और प्रत्येक स्टेप के अंदर छोटी छोटी एनर्जी के मॉलिक्यूल क्या है रिलीज होते रहते हैं। नेक्स्ट है, टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल विच मे बी जनरेट फ्रॉम कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज 38 एटीपी। यानी टोटल नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल यानी कुल मिला के कितने एटीपी के मॉलिक्यूल विच मे बी जनरेट जो क्या है बनते फ्रॉम कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ यानी टूटने से, किसके टूटने से बनते हैं, वन मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से इज 38 एटीपी। यानी एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन से कितने एटीपी जनरेट होते हैं, 38 एटीपी एनर्जी के मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। इन ह्यूमन बॉडी ग्लूकोज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन और या क्या है फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो सबसे पहला क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट आज आपने देखा था कि जब अपन फूड या कोई डाइट लेते हैं उसका डाइजेशन कहां से शुरू हो जाता है, माउथ के अंदर से। माउथ में सबसे पहले पिटाइलिन एंजाइम के द्वारा उसका डाइजेशन होता है, फिर पिटाइलिन एंजाइम जब उसका डाइजेशन कंप्लीट कर देता है तो वो स्टमक में आ जाता है जहां पे गैस्ट्रिक जूस उसको सबसे पहले स्टार्च पॉलीसेक्राइड था माउथ में जिसको डाइसेक्राइड में कन्वर्ट किया, फिर क्या है स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस उसका और ब्रेकडाउन करता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो डाइसेक्राइड है उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, मोनोसेक्राइड के अंदर यानी ग्लूकोज के अंदर। तो ये क्या है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दूसरा क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कहां से बना सकते हैं अपन, फ्रॉम ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। यानी एनर्जी जितनी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उतने ग्लूकोज तो यूज में ले लेती है, काम में ले लेती है, बाकी के जो ग्लूकोज है उनकी जो यूनिट्स है वो अटैच होकर एक दूसरे के साथ ग्लाइकोजन बना लेती है और किसमें स्टोर हो जाती है, लीवर में। और जब क्या है ह्यूमन बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तो अपन ग्लाइकोजन को किसमें तोड़ सकते हैं, वापिस ग्लूकोज में तोड़ सकते हैं यानी ग्लाइकोजन का कैटाबॉलिज्म यानी ब्रेकडाउन कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, फ्रॉम ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो नॉन कार्बोहाइड्रेट है यानी अपन नॉन कार्बोहाइड्रेट से भी क्या है ग्लूकोज को जनरेट कर सकते हैं, जैसे पाइरुवेट लैक्टेट इनसे भी क्या है अपन ग्लूकोज को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर ऑन कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोलाइसिस, यानी आगे का जो बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा आपका, ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसीजर पे होगा। थैंक्स टू ऑल।